कहीं भी कोई फुफू मैंने नहीं हुई, दंगे फसाद की बात तो दूर है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स और मैं कीर्ति। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि यूपी में गुंडागर्दी और धार्मिक उन्माद की कोई जगह नहीं है। एक तरफ रामनवमी पर कई राज्यों में हिंसा हुई, तो सांप्रदायिक रूप से बेहद संवेदनशील उत्तर प्रदेश में कहीं से कोई अप्रिय खबर नहीं आई। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी सरकार की पीठ थपथपाई है। क्या है पूरी खबर और क्या कुछ कहा है योगी आदित्यनाथ ने, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। यूपी में बुलडोजर का खौफ है, बुलडोजर बाबा का खौफ है, यही वजह है कि यहाँ अब दंगे फसाद का खौफ नहीं, अराजकता का खौफ नहीं, सांप्रदायिक उन्माद का खौफ नहीं। यहाँ खौफ तो है लेकिन माफियाओं में, यहाँ खौफ है दंगाइयों में, यहाँ खौफ है धार्मिक उन्मादियों में। ये साबित हुआ है बीती रामनवमी को, जिसका जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने अपनी ही पीठ थपथपाई है। मंगलवार शाम लखनऊ में हुए कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, अभी परसों रामनवमी की तिथि थी, 25 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है, 800 स्थानों पर रामनवमी की शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे, साथ साथ इस समय रमजान का महीना भी चल रहा है, रोजा इफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे, कहीं भी कोई तू तू मैं नहीं हुए, दंगे फसाद की बात तो दूर है। सीएम योगी ने आगे कहा, ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है, अब दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं है, अराजकता गुंडागर्दी अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश ने रामनवमी पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जयंती के अवसर पर ये साबित किया है। अभी परसों रामनवमी की तिथि थी, 25 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है, 800 स्थानों पर रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे, और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अवतार के भी कार्यक्रम रहे होंगे, कहीं भी कोई तूतू मैमे नहीं हुई, दंगे फसाद की बात तो दूर है। ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है कि अब दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं, अराजकता के लिए, गुंडागिर्दी के लिए, अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश ने रामनवमी के अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जयंती के अवसर पर यह साबित किया है। लगातार दूसरी बार यूपी की सत्ता पर काबिज होकर रिकॉर्ड बनाने वाले योगी आदित्यनाथ ने ये बातें रामनवमी पर दूसरे राज्यों में हुई हिंसा के संदर्भ में कही। गौरतलब है कि रामनवमी के अवसर पर गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में कई जगह हिंसा हुई थी। इन घटनाओं में 2 लोगों की मौत भी हो गई थी और कई घायल भी हो गए थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए जन संदेश टाइम्स।